आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ मिश्रा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आई है जिसे हम पढ़ने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर झूठी शान के लिए सरे रहा एक युवती की हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि कौन थे? वो थे युवती के भाई, जिन भाइयों को राखी बांधते समय बहन उनसे जीवन भर सुरक्षा का वादा लेती है, जिन भाइयों को राखी बांधते समय बहन आशीर्वाद देती है कि मेरी बहन जीवन भर खुशियां पाएगी, उन भाइयों ने ही रिश्तों का कत्ल करते हुए अपनी बहन को बीच चौराहे पर गोली मार दी और अब उसकी मौत हो गई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की कई टीमों का गठन कर लिया गया है, जल्द हम आरोपी को पकड़ लेंगे। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या झूठी शान के लिए हम कब तक ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां पर ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही महिला को सरेराह गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 साल पूर्व परिवार से बगावत करते हुए इस लड़की ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। डरी सहमी युवती अपने पति के संग किसी तरह 2 वक्त का गुजारा कर रही थी और छुपते छुपाते रोज राहों से गुजरती थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बदले की भावना रखे हुए झूठी शान को कायम रखने के लिए उसके भाई ही उस पर निगाह बनाए हुए हैं और आखिरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। सरे रहा हुए इस हत्याकांड के चलते सनसनी फैल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर लोग आ गए, जिन्होंने तत्काल संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर जब परिवार से संपर्क किया तो पता लगा कि यह हत्या के पीछे वजह थी झूठी शान। वहीं घटना के बाद से जो मृतका है उसके देवर ने आरोप लगाते हुए पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी लिखित शिकायत पत्र आएगा उस पर FIR दर्ज कर हम जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह घटना एक बार फिर से एक सवाल छोड़ के जाती है कि आखिर झूठी शान के चलते कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।